हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक गरीब किसान और कंजूस जमींदार। लेकिन इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक नैतिक कहानी का अर्थ क्या होता है। नैतिक कहानी क्या है? एक नैतिक कहानी वह है जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखने में मदद करती है। कम उम्र से ही बच्चों को कई पारंपरिक कहानियों से परिचित कराया जाता है, जो सांस्कृतिक मूल्यों को व्यक्त करने के लिए उपकरण के रूप में काम करती है। बच्चे और बड़ों के लिए कुछ प्रसिद्ध नैतिक कहानियों का संग्रह जो उन्हें जीवन के अमूल्य सीख प्रदान करेगी। तो आप एक एक कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि हर कहानी के अंत में आपको उस कहानी से जो सीख मिलेगी वो जानने की प्रेरणा मिलेगी, जिसको हम अपने जीवन में अच्छे समय पर उतार कर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गरीब किसान और कंजूस जमींदार। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसने अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से तो वो खूब काम करवाता, लेकिन पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर किसान मन मानकर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी भी जमीन थी, उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू तो बड़ा मेहनती था। एक दिन वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पे इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सके। गाँव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा देता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1,000 रुपये दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2,000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता बेचारा, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वो था ही, वह खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता। उसने 12 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने फैसला किया, वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज से ही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गाँव में इस बात की चर्चा होने लगी। जब जमींदार को भला बुरा कहने लगे
तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन परिवार से दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। और अगले दिन वह परिवार से दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदारों के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसे पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ, आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन उसका आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुसे, आपके घर में घुस गए, लेकिन वो रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न करके उनसे उलझ गया, उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू तो घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन इसके बाद भी रामू ने उसके घर को चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया या पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया और रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू की बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। तो दोस्तों, कहानी की नींव है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करता रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये किसान की कहानी और कंजूस जमींदार की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।